ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनियां नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमीग्रेशन सर्विसेज तो कोशिश हुंदी है लेटेस्ट और हर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन खास करके जिहड़ी स्टडी अब्रॉड या स्टडी वीजे नाल जुड़ी हुई है चाहे किसी भी कंट्री नूं लैके कैनेडा आस्ट्रेलिया यूके उहदे नाल तुहानूं अपडेटेड रख्या जावे, उहदे नाल तुहानूं जोड़ के रख्या जावे तां कि तुसीं हर तरह के डर या वहम या भुलेखे दे विचों दूर रहो। यूट्यूब दे विच भी कई लोग शोज बना रहे हैं बट उहदे च बहुत सारे कई वलॉगर्स भी ने जिहड़े शौंकिया बनाते हैं और कई प्रोफेशनल्स ने या कंपनीज़ ने साडे वांगू जिहड़ियां काम करदियां ने। सो इनफॉर्मेशन दे तत्थां दे नाल जुड़े रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक र्यूमर जिहड़ा लगातार आपां देख रहे हैं कि यूके दियां कुछ यूनिवर्सिटियां बैंक करप्ट हो रही हैं, यह एक अफवाह लगातार असी चलती सुन रहे हैं या एक खबर नूं चलता सुन रहे हैं, असल च इहदी सच्चाई की है? सो इहदे उत्ते अज दा शो रहेगा। पहला मेरी रिक्वेस्ट रहेगी चैनल नूं करो सबसक्राइब और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट शो है, सो थोड़ा जिहा ध्यान नाल सुनो ता कि तुसीं अपने वहम या भुलेखे नूं दूर कर सको। सो सब तो पहली चीज़ कि यूके दियां 13 यूनिवर्सिटियां कैडियां ने जिहड़ियां बैंकरप्ट हो रही ने या जिन्हां दे बारे न्यूज़ चल रही है, तो मैं पहला दस दिना कि जिस भी चैनल ने जिस भी सोर्स ने यह न्यूज़ लगाई सी उन्होंने किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम लीकआउट नहीं किया, उन्होंने किसी भी यूनिवर्सिटी की लिस्ट किसी तरह की नहीं दिती। उन्होंने आ भी नहीं कहा कि यह यूनिवर्सिटियाँ बैंकरप्ट हो गई या हो रही ने, उन्होंने कहा कि यह हो सकदियां ने। सो देर इज़ अ डिफरेंस। तुसीं न्यूज़ नूं पढ़दे कितां हो ते तुसीं न्यूज़ नूं समझदे कितां हो, इहदे विच एक बहुत वड्डा अंतर है। सो मैं वो जिहड़ा फर्क है मैं इत्थे तुहानूं समझाउण दी कोशिश करदा। उन्होंने आ नहीं कहा कि यह 13 यूनिवर्सिटियां बैंकरप्ट हो गईयां ने या हो रहीयां ने, उन्होंने कहा कि यह हो सकदियां ने। सो इहदे विच बहुत वड्डा एक अंतर आ गया। इत्थे अगर उस आर्टिकल नूं तुसीं पढ़ो उस न्यूज़ चैनल दे सोर्स तों तां तुहानूं आ भी समझ आऊगी कि बेसिकली वो बेल आउट पैकेज गवर्नमेंट तो एक्सपैक्ट कर रही हैं, जो कि हर यूनिवर्सिटी हर बिजनेस अदारा किसी भी तरह का कोई व्यापार है वो इस टाइम किसी भी देश है वो हर एक अदारा अपनी गवर्नमेंट तो कोई ना कोई रिलैक्सेशन चाहता है। चाहे असी हैं इमीग्रेशन फील्ड ना कनैक्टेड हैं, साढ़े जो भी बहुत साथी आईलैट सेंटर खोलन के लिए गवर्नमेंट ना लगातार कनैक्शन च ने, लगातार वर्कआउट कर रहे हैं, लगातार उन्हों की हैल्प मांग रहे हैं। सेम IDP भी कुछ देर पहला लगातार गवर्नमेंट के पिछे पई हुई सी कि उसका एग्जाम हैपन हो सके। सो उत्थे दियां भी जिहड़ियां यूनिवर्सिटीज़ ने अगर उन्हों की गल करिए तकरीबन 40 बिलियन पाउंड की इंडस्ट्री है इंटरनेशनल स्टूडेंट। हर एक यूनिवर्सिटी की 2/3 इनकम या 2/3 या 1/3 कई दी, सो 2/3 to 1/3, 1/3 to 2/3 इनकम मतलब 100 to 30 to 60 रुपये वो इंटरनेशनल स्टूडेंट तो कमाउंदियां सी। सो डेफिनेटली आ कोविड दे करके इंटरनेशनल स्टूडेंट मे इनटेक च भी नहीं जा सकिया, सितंबर च भी उन्ने वड्डे नंबर च नहीं जा सकना प्रैक्टिकली। सो उहदा एक फाइनैंशियल इंपैक्ट उन्हां यूनिवर्सिटियां ते आ गया। एक हर यूनिवर्सिटी हर कॉलेज नूं किते ना किते एक फाइनैंशियल सट पई हुई है। हर गवर्नमेंट अदारा जिहड़ा भी हैगा वो किते ना किते गवर्नमेंट तो हैल्प मंग रहा और हर एक दा प्रेशराइज करन दा गवर्नमेंट नूं अपना अपना तरीका है। सो यह जिहड़ी न्यूज़ सी यह भी किते ना किते जिहड़ी कंसर्नड सी वो बेल आउट पैकेज दे नाल सी। यूके दे विच असलियत की है कि यूनिवर्सिटियां बैंकरप्ट हो सकदियां ने, अगर वो बैंकरप्ट होंदियां भी ने खुदा ना खासता 100 to 1% जे चांस हैगे भी है तो फिर वो सिचुएशन जे इंटरनेशनल स्टूडेंट ना की होगा। सो यह चीज़ नूं हुण थोड़ा जिहा ध्यान नाल मेरे पॉइंट तो समझो, बिकॉज मैं भी की समा यूके च कढ़िया, मैं भी उन्हां यूनिवर्सिटीज़ तो पास आउट है। सो थोड़ा जिहा तरीका या समझ जिहड़ी हैगी है वो मैं कह सकदा कि मैनूं कईआं नालों बेहतर हैगी। सो यूके दे विच जिहड़ियां यूनिवर्सिटीज़ च तुसीं पढ़न जा रहे हो चाहे किसी का भी नाम ले लो, तुसीं वॉल्वरहैम्पटन जा रहे हो, तुसीं हडस जा रहे हो, वॉरसेस्टर जा रहे हो, यूनिवर्सिटी वैसट लंडन जा रहे हो, ईस्ट लंडन जा रहे हो, कीले जा रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी तुसीं जा रहे हो, फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ दे आर गवर्नमेंट फंडेड, मतलब एक सरकार के अपने ही अदारे ने किसी ना किसी रूप के। सो हुण उन्हां दा बैंकरप्सी जिहड़ी है डेफिनेटली उन्हां दी इस टाइम इनकम लो होई पई है, सारिया की हुई पई है, साड़ी भी हुई पई है, तुहाडी भी हुई होनी है, हर एक बंदे दी इस टाइम इनकम डिगी हुई है। सो उन्हां दी भी डिगी हुई है। सो उहदे विच उह गवर्नमेंट तो एक पैकेज चाहुंदियां ने जिहदे नाल उह अपने खर्चिआं नूं मेनटेन कर सकन। उहदे विच जिहड़ी पहली रिलैक्सेशन यूके गवर्नमेंट ने उन्हां नूं दित्ती सी उह आ दित्ती सी कि चाहे तुसीं ऑनलाइन पढ़ाओ बच्चिआं नूं पर तुसीं अपनी पूरी फीस क्लेम कर सकदे। उहदे नाल की हो गया कि उन्हां नूं आ हो गया कि अपने खर्चे कढ सकणगे। सेम जिद्दां सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया दे विच भी जिहड़े स्कूल कॉलेज चाहे उह ऑनलाइन पढ़ा रहे
लेकिन उन्होंने कहता भी हाँ पेरेंट्स नूं कल परसों की न्यूज़ है कहता भी तुहानूं फीसां देनियां पैणगियां। सो डेफिनेटली गवर्नमेंट एक लैवल तक हैल्प करेगी, एक लैवल तो ज़्यादा किसी बिजनेस में हैल्प नहीं करेगी। और तरीके या रस्ते या नॉर्म्स उस हिसाब नाल सैट कर सकती है कि वो एक तरह की तुहानूं हैल्प हो जाए, बट उहदे बाद भी कई यूनिवर्सिटियां खर्चा सह सकनगियां, कई नहीं सह सकनगियां। सो उस सिचुएशन च हुंदा की है, मान लो खुदा ना खासता अगर किसी भी सिचुएशन च यूनिवर्सिटीज बंद होंदिया ने, तां मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल दूंगा सन 2012 का, जो उत्थे यूके दे कॉलेज बंद हुए सी, जबकि वह प्राइवेट सी, उन्हां दा गवर्नमेंट नाल कोई लेना देना नहीं सी, गवर्नमेंट ने एक झटके च उन्हां नूं बंद कर दिता सी। पर जो झटके च भी बंद हुए सी तां उत्थे भी जिहड़े बच्चे सी जिहड़े पढ़ रहे सी उस टाइम, उन्हां नूं पूरी ऑप्शन और टाइम मिलिया सी कि तुसी अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो उदो कॉलेज सी सारे भी, तुसी जिहड़े अपने कॉलेज आ ओह बदल के दूसरे कॉलेजां च चले जाओ तां कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिहड़े सही ने। सो उदो कई बच्चों ने ऑप्ट किया, जिन्हां ने नहीं ऑप्ट किया उन्हां नूं कॉलेज तों किया गया भी तुसी इन्हां दे रिफंड दो। इह जिहड़े सिचुएशन है यही रहिंदी है, अगर वर्स्ट केस सनारियो जिहड़ा हुंदा ना, वर्स्ट केस सनारियो जिहड़ी चीज़ होनी नहीं, मैं उहदी गल कर रहा, वैसे करनी नहीं चाहिए क्योंकि यह चीज़ हो नहीं सकती, बट जे हुंदी भी है तो गवर्नमेंट तुहानूं उत्थे छड्ड के भज्जन नहीं लगी आदत दे विच, या ना तुहानूं कंट्री चो कढ़न लगी, इदां कुछ नहीं गा, तुहानूं एक प्रॉपर समां दिता जाऊगा, जिहड़ी जिहड़ी यूनिवर्सिटी च तुहाडे ट्रांसफर हो सकदे उत्थे ट्रांसफर कीते जाणगे, या तुहानूं उत्थे सैकेंड ऑप्शन भी दिती जाऊगी कि अगर तुहानूं यूनिवर्सिटी पसंद नहीं आई या कुछ भी है तो तुसीं जिहड़ी अपनी फीस आ ओह वापस लै सकदे। फीस कित्थों वापस आनी है, हुण तुसीं आ सोचोगे यार यूनिवर्सिटी जदों बैंकरप्ट होगी तां, कमेंट करन वाले बंदे नैगेटिव हुंदे थल्ले कई, उह लिख दिंदे आ कि तां ही करके मैं पॉइंट नूं भी बड़ा सोच के आ, मैं शो नूं डिजाइन कर रहा कि जिहड़े वो पैसे ने वो कितों आएंगे, फीस कितों वापस आऊगी अगर यूनिवर्सिटी बैंकरप्ट हो रही है। बेसिकली उत्थे जिन्ना भी बिजनेस अदारा होंदा है और खास करके जिहड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ने, यह सारे इंश्योर्ड तरीके नाल चलदे, मतलब इन्हां च इंश्योरेंस इनवॉल्वड है, जिहड़ा तुसीं पैसा यूनिवर्सिटियां नूं दे रहे हो सेफ है, ठीक है नी, उहदे च किसे तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुसीं किसी भी कारणवश यूनिवर्सिटी कल नूं बैंकरप्ट हुंदी है, कुछ भी सिनारियो हुंदा है, तुहाडा पैसा 110% सेफ है, तुहानूं बदले च दूसरी यूनिवर्सिटी मिलेगी, उहदा ट्रांसफर मिलेगा, या तुहानूं अपना पैसा वापस मिलेगा जो कि इंश्योरेंस कंपनी जिन्हें भी वो यूनिवर्सिटी का इंश्योरेंस किया होगा वो तुहानूं देगी। सो किसी तरीके नाल भी तुहाडा दूर दूर तक कोई नुकसान नहीं हो सकता। सो कोई भी बच्चा वहम ना रखे, कोई भी बच्चा भुलेखा ना रखे। शो स्टार्ट करन तो मैं पहला भी कहा कि दो तरह के लोग शो बना रहे हैं यूट्यूब के उत्ते, एक ब्लॉगरस ने जोड़े शौकिया बनाते हैं और एक और ने जोड़े प्रोफेसनल्स जोड़े बनाते हैं। सो एक प्रोफेसनल भी एडवाइस है, और प्लस बिकॉज मैं उत्थे रहा, मैं उस सिस्टम नूं समझदा, दैट इज़ वाई मैं कह सकदा कि एक ब्लॉगर दे अगर उधर दे बंदे दे भी पॉइंट ऑफ व्यू नाल भी गल करां तां दैन ऑलसो यू आर 110% सेफ। यह प्राइवेट कॉलेजां दा बिजनेस नहीं गा जिथे कोई पैसा डुब जू या कोई नुकसान हो जू या वीज़ा नहीं रहूगा, इदा दा कुछ भी तुहाडे नाल नहीं हो सकता। और 99.99% कोई यूनिवर्सिटी बैंकरप्ट नहीं होनी, कुछ नहीं होना, जस्ट बेल आउट पैकेजिज है, मंगण दे अपने अपने तरीके है, एजुटेशन करन दे अपने अपने तरीके है, इट इज़ जस्ट अ न्यूज़ टू यू नो प्रेशराइज द गवर्नमेंट कि कुछ रिलैक्सेशन जिहड़ा यूनिवर्सिटीज़ वल फंड दे रूप च आवे, इस तो ज़्यादा कुछ नहीं है। किसी तरीके नाल तुहानूं दूर दूर तक घबराउण दी लोड़ नहीं है, बेफिक्र हो के चाहे तुसीं साडे तो अपलाई कीता, चाहे किसी भी कंसल्टेंट तो अपलाई कीता, तुसीं यूनिवर्सिटी च पैसा डायरैक्ट ट्रांसफर कीता, बेफिक्र हो के अपने केस नूं चलण दो, डोंट नॉट थिंक टू वरी, कोई टेंशन होएगी आके मिल लियो। अज दे लई इन्ना ही, सत श्री अकाल। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनियां नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान।